लेट्स डिस्कस कलर ऑफ नैनो पार्टिकल्स। अब देखिए, मान के चलिए गोल्ड, गोल्ड बल्क में अगर है तो इट हैज शाइनी येलोइश लस्टर, यानी वो येलो शाइन दिखाता है। लेकिन वही अगर हम नैनो स्केल में पार्टिकल्स को देखते हैं गोल्ड के, तो उसका कलर रेडिश होता है। सो कलर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है विच इज डिपेंड्स ऑन व्हाट द साइज। सो इट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इट इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट एट नैनो स्केल। अब एलिमेंटल गोल्ड हैज शाइनिंग येलो कलर, अभी अभी हमने देखा। सो एलिमेंटल गोल्ड हैज शाइनिंग येलो कलर, ये चीज हमें याद रखना होगा। बट कलर ऑफ 100 गोल्ड एटम्स, अगर हम 100 एटम्स को कंसीडर करें तो वो रेडिश होता है। कलर ऑफ 100 गोल्ड एटम्स इज रेड। सो इससे एक बात हमें पता चलती है कि नैनो स्केल में अगर पार्टिकल हो तो उसका कलर डिफर करेगा, और पार्टिकल्स अगर बल्क में हो तो उसका कलर डिफरेंट होगा। अब इसके बाद बात करेंगे सरफेस एरिया की। सो सरफेस एरिया, अब देखिए, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब अगर हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है नैनो पार्टिकल्स की, याद रखना। सो हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नैनो पार्टिकल्स। अब बल्क मटेरियल को अगर हम सब डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल्स, तो उतने ही वॉल्यूम में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, याद रखना। सो इफ बल्क मटेरियल इज सब डिवाइडेड इनटू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल्स, देन सरफेस एरिया इज लार्जली इंक्रीज, सरफेस एरिया इज लार्जली इंक्रीज। अब सरफेस एरिया उतने ही वॉल्यूम के लिए जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, याद रखना। सो विथ लार्ज सरफेस एरिया फॉर सेम वॉल्यूम दीज स्मॉल पार्टिकल्स रिएक्ट विथ मच फास्टर रेट, याद रखें। सो इट वॉज ऑल अबाउट सरफेस एरिया ऑफ नैनो पार्टिकल्स। लेट्स डिस्कस कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ नैनो मटेरियल्स। अब देखिए, नैनो मटेरियल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, हम अभी अभी देखे।
कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा और पार्टिकल साइज जितना छोटा, उतना कैटेलिटिक एक्टिविटी जो है वो एनहांस्ड होगा। और दूसरी बात ये समझ लो कि नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स जो भी हम एज ए कैटेलिस्ट यूज करते हैं, नॉर्मली दीज आर हेटेरोजीनियस कैटेलिस्ट। सो ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया विथ डिक्रीज इन पार्टिकल साइज, डिक्रीज इन पार्टिकल साइज, नैनो मटेरियल बेस्ड कैटलिस्ट सो इंक्रीज्ड कैटालिटिक एक्टिविटी, इंक्रीज्ड कैटालिटिक एक्टिविटी। यूजुअली ये हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट होते हैं। सो यूजुअली दीज आर हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट्स। दीज कैटलिस्ट कैन बी इजीली सेपरेटेड एंड रिसाइकल्ड। इनका सेपरेशन और रिसाइकलिंग काफी आसान होता है। सो दीज कैटलिस्ट्स कैन बी इजीली सेपरेटेड एंड रिसाइकल्ड। उनकी रिसाइकलिंग भी काफी आसान हो सकता है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम एंड पैलेडियम मेटल नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद फोटो कैटालिसिस में TiO2 और ZnO का इस्तेमाल होता है। सो TiO2 एंड ZnO नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड एज या यूज्ड इन फोटो कैटालिसिस, यूज्ड इन फोटो कैटालिसिस। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखें। अब गोल्ड जो है बल्क में अनरिएक्टिव होता है, लेकिन उसी के नैनो पार्टिकल्स बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। सो गोल्ड इन बल्क इज अनरिएक्टिव बट इट्स नैनो पार्टिकल्स आर गुड कैटलिस्ट। ये चीज है। सो नैनो पार्टिकल को कैटालिसिस में हम बड़े तौर पे यूज करते हैं। अब बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज की। लेट्स डिस्कस थर्मल प्रॉपर्टीज। अब थर्मल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट, अब देखिए बात ऐसा है, नैनो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नैनो पार्टिकल चेंज ड्रास्टिकली एंड डिपेंड्स अपॉन साइज। नैनो पार्टिकल डायमेंशन के हिसाब से उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा और साइज पे डिपेंड करेगा, याद रखना। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नैनो पार्टिकल्स चेंज ड्रास्टिकली एंड डिपेंड्स
ऑन साइज, वो साइज पे निर्भर करेगा। अब इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लस्टर्स, सोडियम क्लस्टर्स ऑफ 100 एटम्स, ऑफ 100 एटम्स हैज मेल्टिंग पॉइंट 288 केल्विन, व्हाइल दैट ऑफ 10,000 एटम क्लस्टर हैज या इज व्हाट 303 केल्विन। यानी जैसे नंबर बढ़ गया वैसा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, और बल्क सोडियम मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 371, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बल्क सोडियम मेटल इज 371 केल्विन। यानी जैसे जैसे एटम्स की संख्या क्लस्टर के अंदर बढ़ते जाएगी वैसे वैसे हमें दिख पड़ता है कि मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिकल स्ट्रेंथ की। लेट्स डिस्कस मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो सबसे पहली बात ये याद रखें, नैनो मटेरियल्स हैव वेरी गुड स्ट्रेंथ। बल्क में जो मेटल है उसके हिसाब से अगर आप नैनो मटेरियल का मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखोगे तो करीब करीब 500% ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ दिख पड़ती है अगर हम कॉपर को कंसीडर करते हैं। सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि नैनो मटेरियल्स हैव अ वेरी गुड स्ट्रेंथ। सो नैनो साइज्ड कॉपर एंड पैलेडियम क्लस्टर्स, सो याद रखें नैनो साइज्ड कॉपर एंड पैलेडियम क्लस्टर्स विथ डायमीटर इन साइज रेंज ऑफ 5 to 7 नैनोमीटर कैन हैव हार्डनेस अप टू 500% ग्रेटर देन बल्क मेटल। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नैनो साइज्ड जो डायमेंशन होता है उसका चेंज होता है, उसका डिफरेंट होता है। जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब्स अगर आप कंसीडर करें तो वो कंडक्टर भी हो सकता है और सेमी कंडक्टर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन साइज। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व टू चेंज एट नैनो स्केल। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स, फॉर एग्जाम्पल कार्बन नैनो ट्यूब्स कैन एक्ट एज अ कंडक्टर और सेमी कंडक्टर इन बिहेवियर। लेकिन वही अगर हम एंटायर ग्राफाइट की बात करें तो दैट हैपन्स टू बी द कंडक्टर। सो इट वॉज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स।